तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी श्री सभापति महोदय अन्य अन्य त्रिदिपादगण सभी का चरण में यथा जगत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी तक हम लोगों ने श्री रूप गोस्वामी की वैशिष्टता के विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न वक्ताओं के मुखार विद से बड़ी अच्छी अच्छी कथा सुनी। इसलिए हम लोग सवेरे भी श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, इनका नाम इन्होंने रूप ही नाम रखा है। इसलिए उन्होंने क्यों इनका नाम श्री रूप रखा, इसी विषय पर हम लोग ने श्रवण किया है। इसलिए इनका नाम जो रूप गोस्वामी नाम रखा गया है, हम लोग सवेरे श्रवण किया था। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री जहाँ पर श्री रूप गोस्वामी रहते थे, जब महाप्रभु वहाँ पर गए और रथ यात्रा का समय में उनके हृदय की जो भावना, जो कि साधारण काव्य श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, जो श्लोकों को कोई नहीं समझ रहे थे, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति समझा था श्री स्वरूप दामोदर। लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने देखा इनके हृदय का जो भावना के अनुरूप उन्होंने एक अद्भुत श्लोक को उन्होंने रचना की, जिस श्लोक को देख करके महाप्रभु का हृदय तो प्रेम में गदगद हो गया और आनंद उनका हृदय में समाया नहीं। फिर उन्होंने जिस श्लोकों को देख करके, तो दो श्लोकों उन्होंने देखा, तो तीन श्लोकों को, एक श्लोक तो था कि तुंडे तांडवी भीतर भीतर तुंडा वाली लब्ध है जब नाम की महिमा। दूसरी जो श्लोक है उन्होंने जो अनर्पित चरित चिराग करुणया वजिर न कलो, और उन्होंने जो प्रिय सोचरी, ये जो श्लोकों को देखे महाप्रभु आनंद में हृदय में आनंद नहीं समाया। फिर उन्होंने स्वर्ग दामोदर को, फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को और राय रामानंद को, इनको फिर देख करके आए, बोले रूप बताओ तो तुमने जो श्लोक लिखे उस श्लोक को बताओ। लेकिन रूप गोस्वामी लज्जित होकर को बताना नहीं चाह रहा, तो बोले बताओ ना। लेकिन जब उन्होंने तुंडे तांडव के भीतर होते ये श्लोक को बताए, हरिदास ठाकुर का नाच उठे, और जब उन्होंने अनर्पित चरित्र ये श्लोक को उन्होंने सुने, महाप्रभु आनंद में तो हृदय गदगद हो गया, इनकी हृदय आनंद में गदगद हो गया। जब गदगद हो गया तब महाप्रभु कहते हैं सारे भक्तों को, तुम लोगों ने ये रूप को ऊपर में कृपा करो, तुम सबके सब इसके ऊपर में कृपा करो, क्योंकि जो श्री चैतन्य मन अभिष्टम महाप्रभु का जो अभिष्ट को जैसे ये स्थापन कर सके, ग्रंथ रूप में लिख सके, इसलिए श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी को ऊपर उन्होंने का अष्टक लिखा है। वो अष्टक में कहते हैं इनका नाम रूप क्यों है, वो अष्टक में बताया ये सबका रूप है, कृष्ण का भी रूप है, राधा रानी का भी रूप है, स्वरूप दामोदर का भी रूप है, ललिता का भी रूप है, ये सबका रूप श्री ये रूप है। रूप होने का नाते इन्होंने श्री महाप्रभु का जो मन अभिष्ट, आप लोग जो उज्ज्वल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथों को हम लोग जब श्रवण कर रहे थे, महाप्रभु का सारे अभिष्ट को उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए इनके एक ग्रंथ है जिसका नाम स्थलावली, इनका एक ग्रंथ है। इस स्थलावली ग्रंथ में अभी जो हमारे बंसी तो प्रभु बोल रहे थे, इनका क्या नाम बता रहे थे वहां पर, कौन सा प्रज्युताख्या ख्यात मंजरी, इनकी जो वो ग्रंथ में जो कवित्व है, अगर आप लोग वो ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे तो आप इनकी जो कवित्व को ऊपर में आप समझ नहीं सकते हैं, ऐसे अद्भुत इनकी कवित्व है। आपको एक दो चीज हम लोग दिखाना चाहता हूँ। हाँ हरे कृष्ण, आप लोग मेरी तरफ में देखो। हाँ इसमें देखो, इसमें इनकी कवित्व को ऊपर में देखो, ये जो कवित्व है एक सर्प रूप में देखो, इसका नाम है सर्पबंध, मतलब एक सर्प को अंदर में, जैसे कि सर्प देखो
उन्होंने जो संस्कृत शब्द पढ़े हैं, संस्कृत विषय में जिनको जानकारी है वो यह चीज को समझ सकते हैं श्री रूप गोस्वामी की विद्वता क्या था। एक सर्प रूप में देखो उन्होंने श्लोक लिखे कृष्ण लीला के ऊपर में जो स्तवावली ग्रंथ में उन्होंने पूरा जैसे आनंद वृंदावन चप्पू श्रीमद भागवत ग्रंथ ये सब ग्रंथ में कृष्ण लीला पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने संपूर्ण कृष्ण का जन्मोत्सव से लेकर के उनकी रास लीला तक उन्होंने स्वयं अद्भुत अद्भुत उन्होंने श्लोकों को रचना की। रचना करते हुए देखो यहाँ पर सर्प आकृति है, जिस ये सर्प आकृति रूप में श्लोक को उन्होंने सुंदर रूप में विवेचना करते हुए तो सर्प के रूप में दिया। यहाँ पर देखो ये चक्राकृति है, ये चक्र के रूप में उन्होंने श्लोक को रचना करके दिया उन्होंने। और यहाँ पर देखो ये सर्वत्र भद्र है और यहाँ पर गोभूत्र भद्र, ऐसे ही उन्होंने अद्भुत अद्भुत रूप में श्लोक को उन्होंने ये अद्भुत एक पद्माकृति है और एक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम उन्होंने दिया दिया भी आ रहे हैं। उन्होंने अद्भुत रूप में श्लोक को उसको अंदर में देख करके जो श्लोक रचना करते हैं वो इनकी कवित्व को समझ सकते हैं, इनकी क्या कवित्व थी और इनका अंदर में क्या पैदार है। जब उन्होंने इसी श्लोक में बताया वहां पर जब कोई तप ऊपर में कोई श्लोक रचना करते हैं तो लोग तही तही तय, जब उन्होंने तप ऊपर में रचना करते हैं तही तही तय, जब उन्हें तप ऊपर में कोई श्लोक रचना करते हैं तो बोले त। और एक अद्भुत उन्होंने चीज दिखाया, देखो जैसे कोई शब्द को जब हम अभिव्यक्ति करते हैं कोई एक उसने को वार होनी चाहिए जैसे आप क्या कर रहे हो कहाँ गए थे, लेकिन इन्होंने एक चित्र कवित्व उन्होंने लिखा है केवल दो अक्षर के अंदर में उन्होंने अपना भाषा को उन्होंने अभिव्यक्ति किया। ये कोई साधारण बात नहीं, यहाँ पर मथुरा में जो पंडित आदित्य का नाम क्या था वासुदेव चतुर्वेदी जब एक बार आए थे वो बहुत बड़ा सप्त तीर्थ है, तब उन्होंने रूप गोस्वामी की महत्व को बता रहे थे कि वो बहुत बड़े पंडित है, उन्होंने बता रहे थे कि रूप गोस्वामी उन्होंने चित्र कवित्व केवल दो अक्षर में उन्होंने शब्दों को कैसे अभिव्यक्ति किया। मैं एक दो श्लोक पढ़ा करके पढ़ करके मैं बताता हूँ, बोले रसासारम सुसारु रसुरारी ससासरम ससारासी रसौ रासे शरीरम सुससारम चर्चो रुचर चिरम चरा रुचि रहो चरम चरे चरौ चारौ चिरम चरम रुचि चारु चरम चुर धरे धरा धरम धा धरा धरम धूधा धुरम धीर धरा धरा धी धीररम राधा धुरम धरम। इसमें केवल उन्होंने दो अक्षर को लेकर उन्होंने पूरा उन्होंने कृष्ण लीला को उसमें अद्भुत इसके अंदर में संपूर्ण कृष्ण लीला इसके अंदर उन्होंने वर्णित किया केवल दो दो अक्षर में। जब ये बात को छोड़ दो आप किसी शब्द को एक अक्षर को तरह कभी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, इस शब्द को एक अक्षर अभिव्यक्ति कर सकते हो नहीं, लेकिन इन्होंने एक श्लोक लिखे हैं जो केवल एक अक्षर में वो वासुदेव चतुर्वेदी कह रहे थे वो इतने आसानी बात नहीं जो कि एक अक्षर में कोई शब्द को आप अभिव्यक्ति कर सकते हो। देखो उस श्लोक में क्या कहते हैं, वो कहते हैं नीनम नानम ननम नूनम नीनो नान ननम नाने नानम नीनो ने नानम नानम ननम नन। ये केवल एक ना है, जब उन्होंने एक एक अक्षर में उन्होंने पूरा राधा कृष्ण का जो दिव्य लीला को उन्होंने एक एक अक्षर का अभिव्यक्ति किया वो बता रहा था वासुदेव चतुर्वेदी, ये कोई साधारण बात नहीं, इसलिए उनको जो रूप गोस्वामी की जो कवित्व ऊपर बता रहे थे वो सचमुच से सही है। अभी तक ऐसे कोई क्यों किसी रूप गोस्वामी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं राधारानी रूप मंजरी होने का नाते इतने दिव्य भाव को उन्होंने अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ रूप में उन्होंने किया है। और इसी ग्रंथ में उनने जैसे जमुना अष्टक हम गाते हैं, ललिता अष्टक गाते हैं, जैसे कि गिरिराज गोवर्धन का अष्टक गाते हैं, सब इन्होंने ये ग्रंथ में अभिव्यक्ति की। और उन्हें विशेष करके उन्होंने एक इसी ग्रंथ में एक ग्रंथ है जिसका नाम श्री उपदेशामृत, ये उपदेशामृत जो ग्रंथ है उसी में श्रील प्रभुपाद इसी ग्रंथ ऊपर में कहते थे ये ग्रंथ ये सहज्ञान के लिए ये वज्र है। जो सहज्ञा वो क्या कहते हैं,
तुमको कोई विधि विधान पालन करने का कोई जरूरत नहीं। वो आते हैं उनको क्या करते हैं, तुम ये मंजरी, तुम ये सखी, तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारी ये नाम, तुम्हारी ये वस्त्र। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो अभी तक जो शौच किया तो बाद में कैसे हाथ धोनी चाहिए, जो इसी विषय को नहीं जानते हैं उनको ये मंजरी, लड्डू मंजरी, कचौड़ी मंजरी और उसका रसगुल्ला मंजरी नाम दे दिया। नाम दे दिया, नाम देकर क्या होता है, लेकिन वो स्थिति तो तुम्हारी है ही नहीं, तो कस्तूरी मंजरी लड्डू मंजरी तो मिल गया करके। दो दिन बाद फिर राधा कुंड में जाते हैं, भाई कह रहे देखते हैं शायद राधा रानी कोई लीला थी तो मिलेगा। गुरुदेव कहते थे राधा रानी क्या देखोगे, कौन सा लड़कियां कैसे स्नान कर रही वही चीज देखोगे। और एक दिन तुम्हारे हृदय में ऐसे काम आएगा, हाँ तुम जब घर छोड़ करके आए भजन करने के लिए तो चल शादी करोगे, फिर बाबा जी माता जी को लेकर के फिर माता मती करना शुरू कर दो। इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए प्रभुपाद कहते थे ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है वो सहजियाओं के लिए वज्र जैसे ग्रंथ है, क्योंकि इसमें साधन से लेकर के उन्होंने हमारे जो लक्ष्य है वहां तक उन्होंने उसी ग्रंथ में विवेचना किया है। पहले कैसे बाज रहेगा मन सह क्रोध रहेगा, पहले तो अपना बाज को क्रोध को दमन करो, अत्याहारम प्रयासास भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु को वर्जन करो, जो हाँ भक्ति में जो सिद्धि देने वाले हैं हाँ उत्साह निस्याद धैर्यात ये सब गुण आनी चाहिए। हरिनाम में मन नहीं लग रहा है तब नाम उसमें कैसे हरिनाम में स्याद कृष्ण नाम अविद्या रस नाश न रुचि का, कैसे हरिनाम में तुम्हारा रुचि नहीं लग रहा है, हरिनाम को कैसे धीरे धीरे करनी चाहिए है। फिर उसके बाद में विशेष करके गुरुदेव जो श्लोक कहते थे हैं, इसलिए तत्नाम रूप चरिता सुखी तरानो क्रमेण रसना मनस गुरुदेव इस श्लोक को प्राय करके गुरुदेव उच्चारण करते थे कैसे हमें साधन भजन करनी चाहिए। उसको बाद में फिर राधा कुंड की कथा आती है हैं, फिर आती है वैकुंठ जनित बराबर मधुरी तत्राप दासों सब, कैसे वैकुंठ से मथुरा, मथुरा से द्वारका, द्वारका से मथुरा, वृंदावन कर से गिरिराज गोवर्धन, फिर राधा कुंड श्याम कुंड फिर कभी आती है और पहले भी आ जाती है। इसका जो क्रम बद उन्होंने ये उपदेशामृत ग्रंथ है उन्होंने अद्भुत रूप से उन्होंने इसी ग्रंथ में उन्होंने विवेचना किया। आप लोग जो बंसी वदन पर उसे श्रवण कर रहे थे इन्होंने इतना ग्रंथ करके तभी तृप्त नहीं हुए। इसलिए गुरुदेव कहते थे फिर श्री रूप गोस्वामी फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप में आते हैं, और कोई नहीं रूप गोस्वामी का अवतार है। उनने जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है बिंदु लिखी, उनने जो उज्जवल लिखा लिखा उसको फिर किरण कणा लिखे, जो लघु भागवत किरण कणा लिखे, और विशेष करके उन्होंने श्री भागवत ग्रंथ में जो टीका लिखे, टीका ने नाम क्या है सारार्थ दर्शन के उन्होंने टीका लिखे है। जब तक आप श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये टीका को अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप भक्ति रस में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए श्री गुरुदेव जब जब कोई बात बोलते थे बारंबार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नाम लेते थे, पर जो कुछ मैं विचार बोलता हूँ इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही मैं विचार बोलता हूँ। इसलिए उनके जो प्रथम जो श्लोक है जन्मादस्य ये श्लोकों को श्री बल्लभाचार्य कहते हैं, ये श्लोकों को जन्मादस्य सत्यम परम धीमहि, ये कौन है बोले सत्यम परम धीमहि श्री कृष्ण है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते नहीं वो सत्यम परम धीमहि कृष्ण नहीं बोले सत्यम परम धीमहि जो राधा कृष्ण राधा रानी की जो पराशक्ति श्री राधा रानी जो देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता वो श्लोक में श्री राधा ही ध्यान बताए जो जन्मादस्य जत जिनसे ही आदि श्री का रस प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने अद्भुत रूप में भागवत का जो प्रथम श्लोक बोलने श्री राधा रानी में लगाए, और विशेष करके जो रासलीला रूप में इनकी जो टीका है वो अन्य व्यतिरक रूप में एक एक श्लोक बोलने दो दो अर्थ करते हैं। जैसे देखो बोले तब कथा वृतम तब तक श्रावण मंगल श्रीमदा भूमि गृहंती ते भोरिदा जना
एक श्लोक को हमने दो अर्थ करते हैं, एक तो अन्य रूप में कृष्ण तुम्हारी जो कथा अमृत है, लेकिन व्यतिरिक रूप में वो क्या करते, कौन कहता है कृष्ण का कथा अमृत है, तो वह कथा मृतम, उनकी कथा सुनने पर मरोगे। आप लोग देखो जब तक आप कृष्ण कथा नहीं सुने थे तब तक घर में स्थिर होकर रह रहे थे, लेकिन जब से कृष्ण कथा सुने क्या हुआ, सब पागल बना गए, सबको घर बार छोड़कर के वृंदावन में चलो राधे राधे बोलो और वृंदावन में चलो। आपको ये चोटी और आपको जो मुड़ मुड़ा कर कंठ किसने धारण करवाया बताओ, ये कृष्ण कथा ही धारण कराया है। इसलिए गोपियां कहती है खबरदार कृष्ण कथा कभी मत सुना, जो साधु लोग है ना बगल में भागवत के पोथी दबा कर के देखो बिना पैसा में कथा सुनाएंगे, फिर खबरदार कथा मत सुना। जिसको श्री रूप गोस्वामी को भी जब उन्होंने इसी विषय पर कहते हैं मेरा अंग भंगी तरह परिचिताम शास्ति विस्तीर्ण दृष्टि, रूप गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक को, बोले खबरदार वृंदावन कभी भूल में भी मत जाओ। बोले भैया आप तो वृंदावन जाना चाहते हैं, बोले अगर भूल से कभी चले गए ना कभी भी श्री गोविंद देव मंदिर में प्यार नहीं रखना। बोले भैया गोविंद देव को देखने के लिए आए, उनको तो देखने के लिए आए, बोले अगर प्यार रख दिया ना कैसे देखते घाट के पास में, अरे मेरे दोस्त नहीं बिना गए, अगर उनको पति अगर देखेगा तो पत्नी को देखना भूल जाएगी, अगर पत्नी देखेगी तो पति को भूल जाएगा, बेटा देखेगा तो पिता माता को भूल जाएगा, और पिता माता देखेगा तो बेटा को भूल जाएगा। इसलिए देखा देखो जिस तरह सारे ब्रह्मचारी एक बार उनको देखे तो सब पागल हो गए सब। इसलिए श्री रूप गोस्वामी की जितने कपित तो जब उन्होंने वंशी ध्वनि को पर कहते हैं रुद्धन उप्रीत समर्थ की परम अद्भुत रूप में वेणु ध्वनि को उन्होंने वर्णना करते हैं, जिस वेणु ध्वनि वंशी ध्वनि सुनकर के विश्व ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का जो कवित्व है, रूप गोस्वामी का जो विचार है ये अद्भुत विचार है रूप गोस्वामी का। इसलिए हम सबके सब अपने आप को क्या कहते हैं श्री रूपानुग बोल करके हम गर्व अनुभूत करते हैं, हम लोग श्री रूपानुगत्य है, क्योंकि इन्हीं के अनुगत्य करने पर जीव जा करके जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री बिलाव कुसुमांगल नाम का ग्रंथ लिखे। हम जो कहते हैं हम रूपानुग रूपानुग ये रूपानुग का मतलब क्या हो, हम क्यों अपने अपने आप को इतने गर्व अनुभूत क्यों करते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भैया प्राण पृष्ठ सभी खुला की लोग भूमिका, जिस लीला रस में प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा भी जिस लीला में प्रवेश करने के लिए दिदा बोध करते हैं, अगर रूपानुगत तो प्राप्त करने पर आसानी से उज्ज्वल सरकार की सेवा को आप प्राप्त कर सकते हो। केवल सिर्फ रूपानुगत ही उनकी सेवा की संपूर्ण अधिकार केवल रूपानुगत में प्राप्त होता है। उसका जो प्रथम श्लोक में कहते हैं तम रूप मंजरी सती प्रतीता पुरस्ति, इसलिए कभी हैं कभी किसने कभी श्री रूप गोस्वामी की होट में कभी उन्होंने एक देखा दाग है, इतने में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह के बोले रूप मंजरी को कह रहे बोले आपका तो ब्रज में बड़े सती रूप में आपका नाम है लेकिन आपका पति तो भी बाहर गया हुआ है, लेकिन आपका होट में ये कौन सा है सुख पति ने आकर के क्यों तुम्हारे ये दाग कहाँ से आ गया, इसका मतलब है ये मंजरी या तो कृष्ण को साथ में डायरेक्ट नहीं मिलती है, लेकिन नहीं मिलने पर भी राधा कृष्ण का जुगल को जब दर्शन करते हैं उनको दर्शन करने पर अपनी आप राधा रानी के ऊपर जो चिन्ह है वो अपनी आप के ऊपर में वो चिन्ह अपने आप प्रकाशित होता है। ये एक अद्भुत लीला है, इसलिए केवल रूपानुगत को अनुबंध करने पर जुगल की संपूर्ण सेवा में उनकी अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए आज श्री रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि देखो हम लोग तो बहुत बड़े बड़े बात सुने रामचंद्र को बात कह रहे थे, लेकिन ये वस्तु साधारण वस्तु नहीं, ये वस्तु दुर्लभ वस्तु, ये वस्तु दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु। अगर हम लोग हम अपना गुरु परंपरा के द्वारा जैसे श्री रूप गोस्वामी पांच वेदों मनस क्रोध वेदों यहाँ से उन्होंने शुरू किया है, इसलिए लक्ष्य तो हमारा ये है, लेकिन हम साधन कहाँ से करेंगे, साधन करेंगे श्री पांच वेदों मनस क्रोध वेदों, अरे धीरे 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 स्टेज से धीरे धीरे एक दिन उस सेवा रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उन्होंने साधन और सिद्ध दो वस्तु को उन्होंने ग्रंथ में वर्णना किया है। इसलिए हम लोग श्री रूप गोस्वामी और हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी ये हम सब के ऊपर भी कृपा करे, उन्होंने जो चीज को देने के लिए आए थे और गुरुदेव जो किस चीज को देना चाहते थे हैं, इसलिए हम जो इतने सुंदर सुंदर बात सुनते हैं आपके साथ गौरी बढ़ते जाते हैं, लेकिन कहीं पर ये सब विचार
जब हम कहीं जाकर थोड़ी बहुत बोलते हैं ना, वो सबके सब आग फाड़ फाड़ कर देखते हैं कि क्या बोलते हैं, हमने कभी सुना ही नहीं। जब हम पहले मथुरा आए, जब गुरुदेव का मुंह से प्रेम संपर्क चमत्कार चरित्र का माधुर्य का, जब हमने कभी ग्रंथ का नाम नहीं सुना था, लेकिन जब मथुरा में आकर गुरु जी से कथा सुने, हमने सोचा गुरु जी सब कथा कहाँ से बोल रहे हैं, हमने तो सुना ही नहीं, क्यों गौड़ी मठ में ना इतने ग्रंथों को अध्ययन नहीं करते हैं, केवल हम जो गुरु जी के पास में आए, केवल इन्हीं की कृपा है जो हम इतने सारे ग्रंथों को अध्ययन करने का हम लोग को ये सुयोग प्राप्त हुआ है। इसलिए हम सबके सब श्री गुरु जी की चरण में ऋणी हैं। इसलिए हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को यही विश्राम देना है। अभी